शंकर जी स्टेज पर आ रहे हैं। शंकर जी, ये कैसेट रिलीज करने से पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ दो शब्द कहिए। दुनिया में जो भी आए हैं, जिन्होंने भी नाम किया है, वो बड़ी मेहनत से, छोटेपन से ही वो आगे बढ़े हैं। तो इसलिए कि हमारे धीरेन्द्र जी के बारे में मैं जितना भी कहूंगा वह सच कहूंगा, इसलिए कि अभी धीरेन्द्र के गाने मैंने सुना है और सुनते भी आया, लेकिन मुकेश जी तो ठीक है, वो तो गाते थे बहुत अच्छा। अगर हमारे धीरेन्द्र को भी अगर इसी तरीके से अगर पिक्चरों में गाने दें और गवाएं, वो पिक्चराइजेशन करके देखेंगे तो ये भी गाने बहुत अच्छे लगेंगे। और हमारी अनुराधा जो है राधिका, जो ना वो सीखा है ना कुछ ना क्या, कहती है खुद अपने मुंह से, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी गाया, जितना भी गाया, बहुत अच्छा गाया, और भी अच्छा गा सकती है, क्यों नहीं। जब इंसान के सुर गले में है तो वो सुर कभी भी अच्छे गा सकती है, लेकिन अभी बहुत अच्छा गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, हमारे जो वीनस कैसेट के जो मालिक है, अब इनको भी चाहिए ये पुरानों के पीछे नहीं जाए, नए लोगों को ले आए। और हमारे विनय रतन जी से मैं कहूंगा, जितने नए अच्छी आवाजें हैं, नए अच्छे लोग हैं, उनको ये मौका दें और घर घर में, जगह जगह, जर्रे जर्रे में इनके अपने कैसेट भेजना चाहिए, आवाज सुनिए। और आज का हमारा ऑर्केस्ट्रा जो है वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, और खास तौर पर मेरे गाने बहुत अच्छे ढंग से बजाया उन्होंने, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शंकर जी, आप ये जो आज नया रिकॉर्ड मुकेश जी के प्रति श्रद्धांजलि का कैसेट जो रतन जी की देखरेख में वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है, उसका उद्घाटन आप कीजिए। एक तो धीरेन्द्र जी को दीजिए, एक आप अपनी चीज खुद भी दीजिए, और एक आप अपने हाथ रखिए, एक मुझे दे दीजिए। जाने कहां गए वो दिल, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल।